नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू की गई सरकारी संस्थानों के औचक जांच के तहत मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ अचानक होशियारपुर के तहसील परिसर में पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से उन्होंने बातचीत की, साथ ही उनकी समस्याओं को भी जाना। वहीं आपको बता दें कि मैडम कोमल मित्तल और एसएसपी सुरेंद्र लांबा भी मौजूद रहे। इस मौके पर भगवंत मान ने लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि हमारी सरकार जल्द ही लोगों को तहसीलों में होने वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाएगी और लोगों के लिए काम बहुत आसानी से होंगे और जनता को अपना काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस मौके पर आम लोग भी मुख्यमंत्री से मिलकर काफी खुश दिखे और उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि भगवंत मान ने कहा कि 28 दिसंबर को एसवाईएल के मुद्दे पर होने वाली बैठक में वो अपने अधिकारियों के साथ जरूर हिस्सा लेंगे और पंजाब का पक्ष रखा जाएगा। बता दें कि पंजाब के होशियारपुर से खबर है जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान औचक जांच के तहत अचानक होशियारपुर की तहसील परिसर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। वहीं आपको बता दें कि सीएम के साथ कोमल मित्तर और एसएसपी सुरेंद्र लांबा भी मौजूद रहे। लोगों से बातचीत कर तहसीलों में होने वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाने की बात कही गई। बता दें कि होशियारपुर की तस्वीरें हैं, समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया गया। सीएम भगवंत मान पहुंचे होशियारपुर तहसील और कॉम्प्लेक्स में किया औचक निरीक्षण। बता दें कि वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और समस्या को दूर करने का आश्वासन भी दिया गया और साथ ही सीएम के साथ कोमल मित्तल और एसएसपी सुरेंद्र लांबा भी मौजूद रहे। लोगों से बातचीत कर जल्द तहसील में होने वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाने की बात भी कही। बता दें कि होशियारपुर की तस्वीरें हैं। पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत भुलत्थर बस को रवाना किया गया। बस को हरी झंडी दिखाने वाले हरसिमरन सिंह घूमन ने बताया कि 43 अधिक यात्रियों से भरी इस बस का पहला पड़ाव माता चिंतपूर्णी मंदिर में होगा और फिर माता ज्वाला जी से होते हुए रात को आनंदपुर साहिब पहुंचेगी, जहां पंजाब सरकार ने यात्रियों के ठहरने के लिए विशेष व्यवस्था की है। वहीं आपको बता दें कि 15 तारीख को माता नैना देवी के रास्ते वापस लौटेंगे। इसके साथ ही हर यात्री को जरूरी सामान की एक किट भी दी जाएगी और उन्होंने बताया कि बस यात्रा के दौरान आपके वरिष्ठ नेता दलविंदर सिंह जर्मनी, अविनाश कुमार भिट्टा और बादल कुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया था। बता दें कि कपूरथला की तस्वीरें जहां अमृतसर सिमरन ने दिखाई हरी झंडी। बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बस को रवाना किया गया। आपको बता दें कि तीर्थ स्थलों पर ये बस रवाना की जाएगी और यात्री यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि हरसिमरत सिंह ने इस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कपूरथला की ये तस्वीरें हैं जहां हरसिमरन सिंह ने दिखाई हरी झंडी। बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत लोग मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे और बता दें कि हरसिमरत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। कपूरथला की ये तस्वीरें हैं, हरसिमरन सिंह ने दिखाई हरी झंडी।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਸੀ ਬੱਸ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਇਹ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਠਹਿਰ ਹੋਊਗੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ सिर्फ ये थोड़ा या कि सिर्फ आनंदपुर साहब ही जानी है हरिमंदर साहब भी जाऊगी एक बस वो अलग तो जाऊगी एक राजस्थान भी जाऊगी अपने खाटू श्याम जी दे संगरूर में कार्यकर्ता बैठक और कबड्डी खेल मेले में बता दें कि हिस्सा लेने पहुंचे सुखदेव सिंह ढींडसा ने प्रेस वार्ता की और कहा कि मैंने माफी मांगने को कहा था अब माफी मांग ली है बता दें कि माफी मांगना अच्छी बात है साथ ही उन्होंने कहा कि जत्थेदार के नेतृत्व में माफी मांगी जानी चाहिए और थोड़ी सजा भी दी जानी चाहिए पंजाब के भविष्य के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में कई बुरे हालात हैं और उन्हें ठीक करने की जरूरत है लोगों ने बदलाव के लिए सरकार को चुना लेकिन बदलाव नहीं हुआ ये कहा है कि केंद्र सरकार ने कुछ अच्छे काम किए लेकिन ज्यादा रवैया पंजाब के लिए अच्छा नहीं हो सकता करके ज्यादा होता मतलब एक सर अकाली दल की सरकार समय जी बेअदबी हुई से उस लैके अज सुखबीर बादल ने हरिमंदर साहब च माफी मंगी है देखो चंगी गल है माफी मंगी जिन्नी कह अच्छी गल है माड़ी गल नहीं असि कहते पर जरा उन्हें अगली कही है ना भी बाकी सारे आओ ओद मैं मीटिंग च फैसला करा गे मीटिंग बुलावे तो विचार करा गे की हो रहा देखो ये तो हाले वक्त गलां ने अज नहीं कुछ कह सकते सारी तेरह लड़ी जाते हूं तो कांग्रेस वाले कहते असि लड़ा गे आम आदमी पार्टी कहते असि लड़ा गे बीजेपी वाले कहते असि लड़ा गे सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवान पुरिया की ओर से मानसा की अदालत में यू टर्न लेते हुए कहा कि सिद्धू मूसेवाला से कभी फिरौती नहीं मांगी और ना ही उन्होंने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया है आरोपियों के वकील ने कहा कि पुलिस ने और जग्गू भगवान पुरिया और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया जिसके चलते उन्होंने अदालत में अर्जी दायर कर मांग की है कि किन दो केस दोनों को केस से डिस्चार्ज किया जाए वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर सिद्धू के पिता ने कहा कि दोषी अदालत के कार्यवाही से डर गए हैं इसलिए अब वो भागते हुए नजर आ रहे हैं साथ ही कहा कि उनके पुत्र के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी सर मानजोग मानसा कोर्ट के विच मैडम शाहिन जज दे केस चल रहा है स्टेट वर्सेस मनप्रीत भाऊ के नाम से उहदे विच चार्ज की स्टेज पर चल रहा सर चार्ज से बहस चल रही है असी लॉरेंस बिश्नोई नूं डिस्चार्ज करने की सर एप्लीकेशन फाइल की हुई है जी की कुछ है उस पटीशन दे विच ते क्यों ही गल्लां मतलब यू टर्न किस तरीके नाल सर इहदे विच असी लॉरेंस के खिलाफ कोई भी डायरैक्ट एविडेंस नहीं वह जदों मर्डर होया उदों भी वह जुडिशियल कस्टडी सी क्योंकि चाहे वह पंजाब च है चाहे वह राजस्थान दे विच है तो कस्टडी दे विच है ना वो तो दोनों गवर्नमेंट को ही वो जवाब देना ही पैना है ठीक है लेट कर देंगे कुछ होर समा लग जूगा तो जिते अठ महीने लंघ गया हो सकता होर पांच सत्त महीने लटकाई जाने सच तो आखिर अगे आ ही जाना है पटीशन च लॉरेंस कहता भी मेरी ना तो कोई दुश्मनी सी ना मैं कदे आया तो ना ही मेरा किसी नाल संपर्क सीगा बिल्कुल जी तुसी देखो वो तो ये गल कह रहे ने परंतु तुसी सुनिया होनी सोशल मीडिया उत्ते अजयपाल वालों इंटरव्यू दिखाई गई है ना
वो देखो शरेआम सिद्धू नूं टारगेट करता रहा भी सिद्धू का रोल है ना इस गल दे विच। लुधियाना पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया सुखदेव सिंह उर्फ विक्की करीब 16 साल पहले अपराध के दुनिया में कदम रखा था और उसने इन 16 सालों में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि बड़ा गैंगस्टर ये बन गया है और सुखदेव सिंह उर्फ विक्की ने अपने 16 साल के आपराधिक सफर में न केवल माछीवाड़ा बल्कि लुधियाना, खन्ना और कई अन्य शहरों में डकैती, फिरौती और जानलेवा हमले किए, जिसके कारण उसने पुलिस की जरूरत पड़ी। लेकिन कल रात पजेटा गांव के पास उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मृतक के छोटे भाई चरणजीत सिंह ने बताया कि सुखदेव सिंह पिछले कई सालों से माछीवाड़ा में नहीं बल्कि अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पटियाला में रह रहा था और परिवार का उससे कोई संबंध नहीं था। बेदखल किया कोई लेना देना जे लेना देना होंदा साडे घर दे हालात होंदे देखो तुहानू किवें पता लग्या वी उहनां दा एनकाउंटर असी खबरां आ रहियां सीगियां जी हर कोई यूट्यूब फेसबुक चला रहा उत्ते देखी न्यूज जी। बता दें कि लुधियाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि कुख्यात अपराधी को पुलिस ने ढेर किया, कई बड़े बड़े अपराध में शामिल था कुख्यात आरोपी। लुधियाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि कुख्यात अपराधी को पुलिस ने ढेर किया है, कई बड़े बड़े अपराधों में शामिल था अपराधी। लुधियाना की ये तस्वीरें हैं। बता दें कि कुख्यात अपराधी को पुलिस ने ढेर किया। रह रहा जी उन्हें हो गई 15-16 साल हो गए जी उरों की घटना वापरी सी जी बख रहे ओ डैडी दी भैन दी कुड़ी लै गया सीगा इस करके डैडी ने बेदखल किया सीगा जी उन्हें उरों कोई लेना देना नहीं कोई लेना देना नहीं जे लेना देना होंदा साडे घर दे हालात होंदे देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਨਿਊਜ਼ ਜੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਮਾ ਕੁਲਾਨਾ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀ ਥੀ ਔਰ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਰ ਉਸਨੇ काबू कर लिया गया था। और बता दें कि धारा 307 के अंतर्गत ये गैंगस्टर सीआईए स्टाफ के पास था तो इससे असले बरामद करने के लिए बुदलाड़ा के पास लाया गया था और जहां पर इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी जिसे रिकवर करना था और जवाबी फायरिंग पर पम्मा कलाना जिंदा पकड़ लिया गया। हालांकि गैंगस्टर पम्मा पुलिस की गोली से जख्मी हो गया था और उसे बुदलाड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में है जी मानयोग एसएसपी साहब वालों जिहड़े भी कोई दोषी ने उन्होंने गिरफ्तार करने लिए वहम विधि हुई है। इस लड़ी के 26/11 को सिटी बुलाटे दे विच एक मुकदमा दर्ज होया सी 307 दा जिस दे विच ये दोषी सीगे तीन जने जो सीए इंचार्ज साढ़े मानसा सुखजीत सिंह ने ते उन्हां दी टीम ने कल इन्हां नूं गिरफ्तार किया सी। रोड पर गांव झल्लीवाला के पास स्विफ्ट कार और इनोवा कार की टक्कर में एक लड़की की मौत हो गई, वहीं 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि स्मार्ट कार जिसे गांव डुड्डूविंडी निवासी कमलदीप सिंह पुत्र प्यारा सिंह चला रहा था और जो
डूंडी विंडी से गुरुद्वारा बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी में माथा टेकने के लिए आ रहे थे। इस दौरान एक सड़क हादसा हो गया जिसमें करीब 5 साल के अमन ज्योत कौर की मौत हो गई, जबकि कार में सवार कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों के गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जालंधर रेफर कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ जी, एक एमरजेंसी आई है साढ़े को, जिदे छे रोड साइड एक्सीडेंट नाल पेशेंट आए सिगे। उन्हें चो पेशेंट्स दे नाम सिगे कमलदीप सिंह, गुरनूर सिंह ते अगमजोत कौर एंड प्रभजीत कौर, जिहड़े कि डडविंडी दे रहने वाले सिगे। इन्हां चो एक बच्ची है अगमजोत कौर जिहदी कि मौका वारदात ही मौत हो गई सी, ते साढ़े को ब्रॉड डैडी आए सिगे। ते एक दो पेशेंट्स होर सिगे रवि ते सुमन, वो चंडीगढ़ बस्ती के रहने वाले आ, ते वो सारे पेशेंट सीरियस होने करके इतों रैफर कर दिते गए। घटना एक कपूरथले आवन दा आया सी, इतने आने के इतने हो गया एक्सीडेंट। कोई कारण पता लगा एक्सीडेंट का? की कारण कोई पता नहीं लगा, वो जड़े बंदे आमने सामने गड्डी वज्जी, अभी तो जाके वेख्या आमने सामने गड्डी दे दो जने। हालत बहुत माड़ी, कपूरथले लगे। की नाम से? एक दिन सुमन ते एक नगर अभी कपूरथले तो आ रहा। हाँ जी, आमो सामने जी इधरों रोंग शहर जा के गड्डी मारती है, पता नहीं की चक्कर सी जरा इधरों जा रहा सी। कार दे विच साढ़े तीन बच्चे सी, एक कमल दी मेरा भीजा ओदी वाइफ सी नाल। पटियाला के गांव चोरा के एक घर में लिंग निर्धारण टेस्ट करने वाले दो लोगों को बरनाला और पटियाला सिविल सर्जन टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर काबू किया। बरनाला सेहत विभाग को मिले इनपुट के आधार पर वहां की टीम ने पटियाला मेडिकल टीम के साथ तालमेल किया था, जिसके बाद डमी मरीज को गांव भेजा और स्वास्थ्य विभाग के झांसा टीम ने रेड कर मौके पर गर्भपात करने वाली दवाइयां, अल्ट्रासाउंड मशीन और अन्य सामग्री बरामद की। वहीं मौके पर पहुंचे सिविल सर्जन पटियाला डॉक्टर रविंद्र कौर ने बताया कि पिछले लंबे समय से इस घर में मीना कुमारी नाम की महिला, जो पहले ही स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थी, फिलहाल वो नौकरी से बर्खास्त है, अपने घर में नाजायज तौर पर गर्भपात कराने का काम कर रही थी। डॉक्टर रविंद्र कौर ने कहा कि इस महिला पर पहले भी गर्भपात करवाने को लेकर कई मामले दर्ज है। सानू जी सिविल सर्जन बरनाला वाले फोन मतलब डी टीम जी ने तैयार की गई, इन्हों कोई गुप्त सूचना मिली सी कि इतने कोई ग्रुप है चौरा पिंड च पटियाला जिला विच, ते इन्हों की गल हुई मेरे नाल, इन्होंने अपनी टीम लैके फिर पहुंचे, ते फिर असी भी अपनी एक टीम तैयार कर ली। ते असी तकरीबन 3-4 दिन तो इस एरिए दी ते जिहड़ा इहदा दलाल सीगा जरनैल सिंह उहदी असी रेकी कर रहे सीगे। असी सारी इनफॉर्मेशन अथेंटिक होने तो बाद अज सवेरे वो कंटैक्ट करने तो बाद तकरीबन 11-12 बजे का उन्हें टाइम दिता। सानू यह भी 5-7 स्पॉट से जिथे आके खड़ा से उतो पेशेंट लैके आता सी, ते असी फिर अपनी सीक्रेट मिशन के नाल जी मोबाइल भी तो यदि जी गड्डी भी वो ट्रेस ते लाया, ते उस तो बाद जो ये अंदर लैके बढ़िया तो असी जोड़ा है मतलब के मौके पर रेड किया, तो वो पेशेंट से जोड़ा वह अल्ट्रासाउंड कर रही थी लेडी, तो एक साडा जो डकॉय पेशेंट तो उन्हें पैसे लाए से असी वह भी कुछ मीना राणी तो कुछ है जेडे ओदे दलाल तो होर कवर किए ने। लुधियाना के बालोके रोड पर पंचायत विभाग की जमीन पर एक बिल्डर के अवैध कब्जे को सरकारी आदेश पर पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की टीम की मौजूदगी में तोड़ दिया गया। बिल्डर पर बता दें कि करीब 4 कनाल पंचायत जमीन पर अवैध कब्जा कराने का आरोप था। हालांकि बिल्डर ने यह भी दावा किया कि उसे हाईकोर्ट से
स्टे मिल गया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। बिल्डर विकास पासे ने उनसे मुलाकात की थी और दावा किया था कि वो जमीन पर अवैध कब्जा छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये अवैध कब्जा पिछली सरकारों के दौरान हुए हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जमीन जी 1700 गज तो वह जमीन आट तो घट 10 करोड़ की कोस्ट की जमीन है। 10 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपये की कीमत की घट तो घट जमीन आ हो पैसों की हो जे इतने दुकाना बन शोरूम बन फिर तो 20-25 करोड़ की कीमत की भी जमीन आ कमर्शियल जमीन आ लागे चंगिया रहायशी लोगों दिया जगह ने लोगों दिया दुकाना भी ने ते ए बंदा जिहड़ा विकास पासी आ ए अज तो 4-5 महीने मेरे को मेरे दफ्तर आया तो मैनू इन्हें आप बंदे ने मन्या भी ये पंचायती जगह तो मैं मंत्री साहब आप ये जगह छड़ देनी असी ये ते विश्वास कर लिया। इन्हें 10-15 दिन का समा ले लिया ये बंदा जाके फ्रॉड किया इन्हें बंदे ने जबान करके ते कोर्ट दे विच जाके ते झूठे सच्चे पेपर ला के स्टे लाया है बंदा। राजपुरा के सरकारी अस्पताल में 108 एम्बुलेंस के चालकों ने अपनी ही एम्बुलेंस कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एम्बुलेंस के ईएमटी स्टाफ हरमीत सिंह कुलदीप सिंह ने बताया कि 108 सरकारी एम्बुलेंस जो पंचायत सरकार की ओर से हर साल प्राइवेट कंपनी को हर महीने लाखों रुपए दिए जाते हैं, जिसमें रोड एक्सीडेंट और इमरजेंसी के समय में लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। लाखों रुपए देने के बावजूद एम्बुलेंस में कोई बुनियादी सुविधा नहीं है और इतना ही नहीं, कभी किसी मरीज के साथ कोई बच्चा जाता है तो वो खिड़की से बाहर गिर जाता है। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से अनुरोध किया है कि इस कंपनी की जाँच कराई जाए। दिक्कतों की देखो जी, आ पिछे तुसी देख रहे हो गड्डी, ये गड्डी सैल्फ नहीं चक रही। मान लो 2 किलोमीटर ते केस एक्सीडेंट हो गया तो घट्टो घट इतों 20 किलोमीटर तो राजपुरे तो गड्डी जानी है तो बाई चांस पेशेंट की मौत हो जाती है, उहदे विच जिम्मेवार कंपनी होएगी जी। इस तों अलावा होर की खराबी है? होर तो जी खराबी इहदे विच ना तो पल्स ऑक्सीमीटर हुंदे है जी, सब तो मेन गल बीपी सैट पल्स ऑक्सीमीटर तो जिहड़ी गड्डी की स्पीड लिमिट है वह सानू दिती जा रही है 60 दी जी, क्योंकि मान लो कोई बाइक है वह भी उदो उपर चली जाती है, हूटर भी छड़ना है तो वह फायदा की होया हूटर का जो गड्डी दी। पंजाब सरकार नूं सर असीं यही कहना चाहते हैं भी साड़ी सुनवाई की जाए, इहदी विजिलेंस जांच करवाई जाए और सानू पंजाब सरकार अपने अंडर लेवे, कंपनी नूं ब्लैकलिस्ट करके पंजाब चों बाहर कढ़िया जाए जी। गड्डी और सैल्फ स्टार्ट भी नहीं होंगी सर, असी धक्का ला के गड्डी स्टार्ट करते हैं, बाई दवे एक्सीडेंट केस आ जाए तो गड्डी स्टार्ट नहीं होंगी, उन्होंने धक्का ला के स्टार्ट की जाती है और कई बार तो सानू बंदे भी नहीं मिलते, बहुत दिक्कत आती है और सानू उपरों फोन करके प्रेशर दिता जाता है भी तुसी गड्डी स्टार्ट करो जिवें मर्जी करो जी, हुण दसो भी असी की करिए जी। किन्ने किन्ने साल हो गए सर काम करदे हो? धूरी पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे चलाने वाले मनचलों को चेतावनी दी। बता दें कि धूरी में नए आए थाना सिटी के प्रभारी सौरव सबरवाल ने थाना सिटी के बाहर मेन बाजार में बुलेट मोटरसाइकिलों पर पटाखे चलाने के लिए जाते सिलेंसर लगाए गए। बता दें कि बुलडोजर चलवा दिया और मनचलों को सख्त हिदायत दी गई। एसएचओ ने कहा कि पटाखे चलाने वाले मोटरसाइकिल के सिलेंसर बंद कर दिए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शोक समाज विरोधी है और गलियों में जो निकलते हुए पटाखे चलाने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। धूरी दे विच बुलेट मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा चल रहे ने, बहुत ज्यादा पटाके मारन वाले जिहड़े साइलेंसर ने ओ यूज कर रहे ने अजकल दी जिहड़े मंडीर है, ते ओहदे करके इस प्रॉब्लम नूं मुक्ख रखदे हुए असी एक मुहिम चलाई सी जिहदे विच जिन्ने भी बुलेट मोटरसाइकिल जिन्हां दे पटाके वजदे ने आप चैक करके आप चौंक दे विच खड़े हो के गली गली जाके जिथे जिथे मोटरसाइकिल सानूं दिखदे सी असी ओह सारे मोटरसाइकलां नूं
ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।